श्रीनगर पुलिस ने 3 नशेड़ियों को हिरासत में लिया है। इन नशेड़ियों से जहां पर ड्रग्स मिले, साथ ही में लाखों रुपए कैश भी मिले। आप देख लीजिए, श्रीनगर में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज का हो या फिर इस तरह की ड्रग्स की एक्टिविटीज का। प्रणाम सभी को, राम राम, सनातन धर्म की जय। मैं आपको बता दूं, श्रीनगर पुलिस ने 3 जो है नशेड़ियों को हिरासत में लिया। ये नशेड़ी खुद तो नशा करते ही थे, साथ ही में लोगों को नशे की लत में डालते भी थे, और इनसे जो है लगभग 162 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है और 1,56,300 रुपए बरामद हुए हैं। इन तीनों नशेड़ियों के नाम है दानिश अहमद भट्ट, दूसरे का नाम है उमर अहमद खांडे और तीसरे का नाम है आमिर अहमद मीर। इन तीनों पे FIR भी दर्ज हो चुकी है 43/2023 अंडर सेक्शन 821 NDPS एक्ट के तहत। ये वो नशेड़ी हैं जो कश्मीर के अंदर नशा फैला रहे हैं और ये पता नहीं कितने घरों को तबाह कर रहे होंगे इन तीनों को। और मैं सरकार से कहूंगा कि इनकी जल्द से जल्द बेल नहीं होनी चाहिए। हालांकि ऐसे ऐसे नशेड़ियों को जल्द से जल्द सरकार छोड़ देती है, लेकिन सरकार को अब नशेड़ियों के खिलाफ एक कड़े कानून बनाने पड़ेंगे, जिस तरह का PSA एक्ट है। 1-2 नशेड़ी के ऊपर PSA एक्ट लगेगा, तभी ये नशेड़ियों को जो है शर्म आएगी। 3 नशेड़ियों को हिरासत में लिया है, इनसे हीरोइन बरामद हुई है और साथ में 1,56,000 रुपए कैश भी। मैं मुबारकबाद दूंगा श्रीनगर पुलिस को। धन्यवाद सभी को, राम राम, सनातन धर्म की जय।